हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे शादी ब्याह में और पार्टियों में रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली रेसिपी पनीर टिक्का। और इसे हम बनाएंगे बिना तंदूर के, लेकिन स्वाद वही रहेगा, एकदम स्मोकी। और बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाएंगे पनीर रैप, और इसके साथ सर्व की जाने वाली चटपटी सी चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है पैन में आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और आधा छोटा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी लिया है। और इसे धीमी आंच पे हमें थोड़ा हल्का भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है इसे। और इसे हम हल्का क्रश कर लेंगे, दरदरा पीस लेंगे इसे हम इस तरीके से अलग रख देते हैं। मैंने लिया है टंगा हुआ दही, जिसे हंकड़ कहते हैं, एक कप। मैंने दो कप दही मसलिन क्लॉथ में डाल के, और ऊपर से मैंने वजन रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, इसका पानी निकल गया है। दही गाढ़ा रहेगा तो हमारा पनीर टिक्का बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे बेसिक से मसाले। तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला और काला नमक डाल देंगे। और हम कसूरी मेथी जो पीस के रखे थे उसे डाल देना है। अब मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है, इसमें मैंने सरसों का तेल 2 बड़ा चम्मच डाला है। जब ये गरम हो जाए तो 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल देना है। अब बेसन को हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब ये गुलाबी रंग का हो जाएगा तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल देना है, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अगर आपका दही बहुत ही गाढ़ा हो गया है तो आप 1-2 चम्मच इसमें छाछ डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने लिया है फूड कलर, लाल रंग का फूड कलर है, जो तंदूरी कलर होता है ना, वो कलर है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए शिमला मिर्च, कटे हुए प्याज और पनीर डाल देंगे, और कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर के बीज को हम निकाल लेंगे, खाली जो स्किन होती है उसे यूज़ कर लेंगे हम। अब इसे हल्के हाथों से हम ये मसालों को कोट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे थोड़ा सा बीच से गड्ढा कर लेंगे। अब इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है लकड़ी का कोयला जो होता है वो लिया है, इसे जला लिया है। और एक कटोरी रख के इसमें कोयले को डाल देंगे, और ऊपर से घी डाल के कवर कर देंगे इसे, और साइड रख देंगे। अब इसकी हम चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने लिया है धनिया, पुदीना, कटे हुए छोटे से टमाटर लिया है, लहसुन अदरक और मिर्च ली है, काला नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, चाट मसाला लिया है, भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, इसमें नींबू का जूस डाल देंगे, और थोड़ा सा काला नमक भी डाल देना है इसमें। इसे अच्छे से हमें पीस लेना है इस तरीके से। अब दूसरी तरफ मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे हम। अब इसमें 1 से 2 चम्मच हम चटनी डाल के इसे मिक्स करेंगे, और फिर 1 से 2 चम्मच इसे डाल देंगे चटनी में। जितना आपको इसका अच्छा कलर चाहिए, जितना आपको तीखा चटपटा चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चटपटी सी चटनी हमारी एकदम तैयार है। और पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया है लकड़ी के स्क्वेयर आते हैं, ये स्टील के हैं मेरे पास, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्टील का यूज़ किया है। तो पहले मैंने शिमला मिर्च लगा दिया है, प्याज लगाया है, टमाटर लगाया है, और पनीर के टुकड़े को लगाया है। पनीर हमें थोड़ा मोटा ही कट करना है, उसके बाद फिर से हम शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लगाएंगे, फिर उसका पनीर लगाएंगे, और फिर प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को लगाएंगे। इसी तरीके से हमें रिपीट करना है। फिर दूसरा स्क्यूअर में हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है पनीर टिक्का को। अभी इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अभी इसे हाई फ्लेम पे हमें घुमा फिरा के भून लेना है अच्छे से, जैसे एकदम थोड़ा ब्राउन हो जाए, हल्का चारों तरफ से घुमा घुमा के हमें इसे भून लेना है। हमारी पनीर टिक्का एकदम तैयार है। ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, और ये चटनी के साथ एकदम गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। तो बच्चों के लिए अब हम पनीर रैप बनाएंगे। तो पनीर रैप बनाने के लिए मैंने आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा और थोड़ा सा नमक डाल के आटा गूंद लिया, और इसकी पतली सी रोटी बना ली। अब इसमें चटनी लगा देंगे,
और पनीर टिक्का इस पर रख देंगे, थोड़े से प्याज के लच्छे, चटनी डाल देंगे, थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे हम। अगर आपके बच्चों को चिली फ्लेक्स पसंद है तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। तो हमारा पनीर रैप एकदम तैयार है, इसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है या सिल्वर फॉयल है उसमें इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा पनीर रैप एकदम तैयार है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।